मन मेरा डटने आले हरी क्यों खोवे सटे चली जा हम लकड़ी काटने आले क्यों खोवे सटे चली जा हम लकड़ी काटने आले जान हो लई मने शादी कर ले तेरे मर्द किसी आन कान हो लई मने दिखे साथी बिना मलंग हंडन की कुर्बान हो लई मने साथी बिना मलंग हंडन की कुर्बान हो लई मने तेरा क्यों कर होगा भला बता दे देखू रोज तेरे किस मतलब के गाटन यारे सीधा शादी का प्रस्ताव रख दिया तूने। आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ तो शादी का प्रस्ताव रख दिया। ना नाम बताया, ना गांव बताया, ना जात बताई, ना गोत बताया। अच्छा, पता पूछना चाहते हो? तेरे लायक एक लड़का मेरे पास और भी है। और से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे तो मैं पूरे जान में घूम ली, सब कोई देख लिया मैंने। ना उसे गाने बायोडाटा की जरूरत ना, हमारे रोहतास यादव जी कोई भी आ जा सबके यहाँ भर ले। हाँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? सुन मेरी बात। क्या है? दिखे कौन कड़े की हाँ। रहने आड़ी बता दिए घर काम तेरा मगध देश में रहा करूं सु सावत्री सेना सावत्री के काम तेरा जोड़ी का वर मिला नहीं न्यो छुट गया ऐसा राम मेरा जोड़ी का वर मिला नहीं न्यो छुट गया ऐसा राम मेरा ए तेरी आवित की बेल जहर में ए रे 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 तेरी आवित की बेल जहर में मर्या करे चटने आशिकाले नाग जहर था पदरियारे पटनियारे क्यों खोवे सटे चली जा हम लकड़ी काटने आले कोई सिक्की वागर हो और सिक्का
मेरा तेरा कोई मेल नहीं है। क्यों मेल क्यों नहीं है? मेल क्यों नहीं है? तेरे इस पहनावे से, तेरे इस पोशाक से, तेरे इस जेवर से पता लगता है हाँ? तू किसी राजा की राजकुमारी है, मैं निर्धन लकड़ हारा हूँ। मेरे साथ शादी करके तू बहुत ज्यादा दुख पाएगी। मुझे निर्धन लकड़ हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ, मेरे साथ ही करेगी? आपके साथ शादी करूंगी। पक्की बात है? हाँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? सुन मेरी बात। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। वीर मर्द का शरीर एक दिन, वीर मर्द का शरीर एक दिन कट जा महरम लोटे में। पाट आनंद छोड़ के फायदा दुख ओटे में। तेरी कैल लाकड़ी, तेरी कैल लाकड़ी, तेरी कैल लाकड़ी काटूंगी मैं साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर है? पतली कमर जरब या जागी हाँ? ज्यादा वजन भरोटे में। पतली कमर जरब या जागी ज्यादा वजन भरोटे में। अरे दुख की परवाह नहीं वीर ने, रे 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 रे। दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरे बालम रंग छाटड़े। हम अपने आप हाँ? हम अपने आप गरीब बता इसके दुख बांटन यारे। दुख होवे से टेम चली जा लकड़ी काटने यारे। शादी ना तेरी हुई है ना मेरी हुई है हाँ? अभी तेरी भी मौज है मेरी भी मौज है, लेकिन बावले शादी करा के मौज हुआ करती ना, है ना, 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 बहुत ज्यादा दुख होते हैं। अरे बहुत ज्यादा सुख होते हैं हाँ? मैं बता दूंगा कौन कौन से दुख होते हैं। दुख होते हैं हाँ, शादी करवाने के बाद में तो बावली आदमी का पिंजर बन जाए। अरे पागल, तुझे नहीं तो नहीं पता शादी करवा के आदमी की मौज हो जाती है। अच्छा हाँ, तो मैं दुख बताऊंगा, तू मौज बता दे कौन कौन सी। मैं मौज बताऊंगी कौन कौन सी होती है। तो मैं बता देता हूँ। क्या है? अरे ब्याह करवा के उम्र कैद हो जीने खाड़े होया करे। ब्याह करवाए बिना गाबरू, ब्याह करवाए बिना गाबरू उतलुंगाड़े हुया करे। अरे घरवाचे में कुटम फैल जा घने पुमाड़े हुया करे। जिस घर में बालक, जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के माड़े हुया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के माड़े हुया करे। गुरु चंद्रलाल भगवान भगत के, चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटन आले। हो दुनिया से हाँ। हो दुनिया से एक जगत में लाखों हो अटने आले। दुख होवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। दुख होवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। तोके कर दे एक क्षण में हेरे मन की सोची बढ़ती को न्या जो मानस के मन में।
भगवान चाहता है आदमी के साथ में वो होता है। पहली बात में जिक्र कर दिया किसका, रावण का। रावण ने अपने मन में क्या क्या सोची और क्या बनी, क्या बताया। ललित नागर जी पूर्व विधायक तिगांव, जी हाँ ललित नागर जी पूर्व विधायक तिगांव, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए खेल बदल के रख दिया। क्या कहा, क्या लिखा।
सोटा खोटे वचन सुनाए। ओ चौदह साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। उसका नीचे का दम नीचे रह गया। हाँ नीचे का दम नीचे रह गया। ऊपर चढ़ा गजन में ये मन की सोची बढ़ती कोड़ा वो मन से मने मन की सोची बढ़ती कोड़ा वो मन से मने सहयोग से चलती हैं। चौथी बात में तोड़ किया ये भी बता दिया कि जो करना है वो फिलहाल ही करना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा। नहीं, जो काम करना है आदमी को वो तुरंत के तुरंत करना चाहिए। चौथी बात में तोड़ किया क्या लिखा, लेकर
समाज से भी हमारी गुजर बिरादरी की आन बान शान चौधरी अंतराम तंवर जी तिगरा वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से रानी सुनीति राजा उत्तानपाद से क्या कह रही थी, क्या बोल लिखे। बालकपण त साथ रही बता मेरे पिया इब के टोवे, बालकपण त साथ रही बता मेरे पिया इब के टोवे, और स्वर्गपुरी में रह के बोझा सर के ऊपर क्यों ढोवे, स्वर्गपुरी में रह के बोझा सर के ऊपर क्यों ढोवे, मत न्यारो वे मेरी के क्या चाल, उठे सजने सो सो मारे की जाले, उठे से सजने सो सो मारे की जाले। देख लिए साजन थारे आके, सब क्या है के ठाट देख लिए साजन थारे आके, मन तीरथ व्रत यात्रा कर ली सब तरिया रे पिया नहाके, तीरथ व्रत यात्रा कर ली सब तरिया पिया नहाके, रुख देख के आऊं पंद्रह दिन तेरा, उठे से सजने सो सो मारे की जाले, उठे से सजने सो सो मारे की जाले। क्या की खातर सजन मेरे इब कर रे सो मूटे ढा, क्या की खातर सजन मेरे इब कर रे सो मूटे ढा, श्री लक्ष्मी चंद धर्म की खातर दुनिया में लिया एक बेटा, लक्ष्मी चंद धर्म की खातर दुनिया में लिया एक बेटा, श्री जमाला टेढ़ा तारे बाड़े की खाल, उठे से सजने सो सो मणे की जाले, उठे से सजने सो सो मणे की जाले। ओ मेरा घरा जान नजी कर लिया से हो लिए सतरे साल, उठे से सजने सो सो मणे की जाले, उठे से सजने सो सो मारे की जाय, मेरा से आगिरी अरे बोल संतरी
या सुंदर शेर मिले को ना मापे मेरा करता जइयो मापे मेरा करता जइयो से आखिरी बोल संतरी से आखिरी बोल संतरी हिरदा में करता जइयो सुंदर शेर मिले को ना मापे मेरा करता जइयो मापे मेरा करता जइयो करती होगी ए संतरियो वो करती होगी जिक्र वो करती होगी जिक्र में वो करती होगी जिक्र रोज मेरा सुंदर छुट्टिया आवेगा सपने में होनी कहेगी तेरा प्राणी छुट जावेगा काल वली ने न्यू कह दी तू तड़के उठ जावेगा पर बैठी सिंदूर वो ज्ञान और तड़के लुट जावेगा रे तड़के लुट जावेगा जो भी आया जावेगा जो भी आया जावेगा वरता जइयो सुंदर शेर मिले को ना मापे मेरा करता जइयो मापे मेरा करता जइयो बोल संतरी हिरदा में धरता जइयो सुंदर शेर मिले को ना मापे मेरा करता जइयो मापे मेरा करता जइयो जो गुजर नहीं थे उनने तो उठा उठा के इसका मर्डर भी करा था सरदार जैसे ने मैं भी तो वही ना करूं मुझे पूरी कहानी पता है वह गुजर भाई ने कभी नहीं करा किसी को खत्म करवा दिए गए न्यू कहने लगा हम दर्दी तेरी जान समझ के इतनी दर्शाई से मोह की आग बुझा लेगी मेरी कह देना व्याही से कुछ तो करके अच्छी थी अच्छे कुल में ब्याही से चल ले घर में ब्याही थी अच्छे घर में ब्याही से रे अच्छे घर में ब्याही से मेरे कर्म का पाचा बदला मेरे कर्म का पाचा बदला निकाल ना बदरता जाइए सुंदर शेर मिले को ना मापे मेरा करता जाइए सपूत मेरा याना पूत सपूत मेरा मेरे दिल में सूरत खटक रही याना पूत सपूत मेरा मेरे दिल में सूरत खटक रही बड़े दिन आते है देखा ना न्यू मेरी आत्मा भटक रही आंखों में आंसू आ गए
जब ममता पल्ले झटक रही। अर्जुन प्राण अर्जुन गॉड बड़े डोले पर अमर कहानी रही, अमर कहानी नहीं रही। सतपुरुषों की देख वीरता, सतपुरुषों की देख वीरता। Come on.
राग छत्तीस रागिणी साज बजा दिया सारारी। ओ छे राग छत्तीस रागिणी साज बजा दिया सारारी। ओ मेरी बाजा जवाल करण हार करतार सभी के मिले का बनावे। करण हार करतार सभी के बता दूंगा बेटी। हाँ। लेकिन इतना मुश्किल काम है कि तू शायद उसे कर नहीं पाएगी। मुश्किल काम? बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितना भी मुश्किल काम हो नारद जी, मैं उस सारे काम को कर दूंगी जो भी आप बताओगे, लेकिन एक बार बताने का कष्ट जरूर करे। कर लेगी? हाँ। सवाल कर दे तो मैं जवाब देता हूँ। सुनिए। दे दे। अपने साजन का बेटी तू दूजा ब्याह करवा दे। अपने साजन का बेटी तू दूजा ब्याह करवा दे। इसमें भला होए के मेरा, इसमें भला होए के मेरा लाड प्यार छुटवा दे। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी राह दे। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी राह दे। सारी बात खोल सम
कोखते तेरी कोखते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे तेरी कोखते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे समझा के जाऊंगा आज मेरे पति की दूसरी शादी करा दूं मैं। हाँ दूसरी शादी करवानी पड़ेगी राजा की तो मेरे भी संतान हो जाएगी। हाँ जो दूसरी रानी आएगी उसके भी संतान होगी। अच्छा। और तेरी कोख से भी एक बहुत बड़ा भक्त जन्म लेगा। अच्छा हाँ नारद जी। हाँ मैं अपने पति की दूसरी शादी करा तो दूंगी। अच्छा लेकिन राजा की उम्र 70 साल हो चुकी है। हाँ बूढ़ा हो लिया। इस उम्र में राजा से शादी करेगी कौन। अच्छा दुल्हन कहाँ से आएगी। हाँ सवाल करते वो भी तेरी चिंता में ऐठ दूंगा। अभी सुनिए कह दे। मेरे पुत्र दूसरी शादी ना बात समझ में आई तेरी बहन सुरुचि। मेरी बहन तेरी छोटी बहन जी तो बहुत छोटी है अभी। ना अब घनी छोटी ना रह रही कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। वो नादान उम्र की यानी वो नादान उम्र की यानी है मेरी माँ जाई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बने दुरु की माई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बने दुरु की माई। मेरे मन में आस जगाई मेरे मन में आस जगाई कुल रोशन हो जावे। जब तक सांस आस मत छोड़ो क्यों बेटी घबरावे। जब तक सांस आस मत छोड़ो कर दिया। अच्छा पहले इतनी दुखी रहा करती थी कुछ भी अच्छा नहीं लगा करता था। हाँ लेकिन जब से आपने ये बात मुझे बताई है। अच्छा बस पूछो मत मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अभी इतनी खुश मत हो। क्यों अभी जो मैंने तुझे विधि बताई है। हाँ उस काम को करने में नू समझ ले लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तुझे। नारद जी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा हाँ करूंगी जरूर। राजा की शादी करवा देगी दूसरी शादी करवा देगी। पता कैसे करवाएगी सुनिए पता। खुशमत हो बेटी अभी बात अधूरी आधी। इतनी खुशमत हो बेटी अभी बात अधूरी आधी। माता पिता और राजा देखकर सलाह करा दुसादी। धर्म सिंह चल दिए मुनीवर सारी बात बता दी। धर्म सिंह चल दिए मुनीवर सारी बात बता दी। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। नारद जी मेरे
सावित्री हेरी कहना मान, मेरा कहना मान ले सावित्री, नहीं तो बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक निर्धन लक्कड़ आ रहा हूँ और तू एक राजा की लड़की है। पहली बात तुम्हें क्या समझाया, क्या लिखा? मैं एक कमाऊं, मैं एक कमाऊं गुणवा ज्यादा, मैं एक कमाऊं गुणवा ज्यादा, मुश्किल पूरा पाटे से शाम सवेरी टूक मिले ना भूख का जाल चले से, बिन पैसे कंगाल के बेरा क्यों कर साटे साटे से, भाई दौलत की सुभाष सनोप श्री रामकिशन ठेकेदार जी, जी हाँ सुभाष सनोप श्री रामकिशन ठेकेदार जी हमारे गुरु जी। मैं तो अपनी मौज में खड़ा हूँ, कोई साथी नहीं बनकर खड़ा हूँ गुरु जी, याद है चंद्र ऋषि की बात है, मुझे आपके, बहुत जाती। आपके खड़े होने पे ये 500 का पुरस्कार आया, एक बार जोरदार तालियां सम्मान कर दे भाई, जोरदार ताली से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पत्थर, और जो कंकर पत्थर होते हैं वो भी अलग हुआ करते हैं, उनकी कीमत अलग होती है, सोने चांदी की कीमत अलग हुआ करती है। तू एक राजा की लड़की है, मैं एक निर्धन लक्कड़ आ रहा हूँ, तेरी मेरी भी जोड़ी नहीं मिलती है। कंकड़ पत्थर एक नहीं से फरक ईट है, फरक ईट और रोड़े में, पीतल सोना एक नहीं से, पीतल सोना एक नहीं से, फरक गधे और घोड़े में, पोता लता पोता लता जबर मरोड़ी फायदा नहीं छोड़े में, दुनिया के मैं दुनिया के मैं खिले नहीं
निचोड़ किया और सुनने वाली बात लिखी, क्या बताया। गुरु चंद्र लाल एक ही भाव में, गुरु चंद्र लाल एक ही भाव में, तुलता नहीं खरा खोटा, कर्म बढ़ा दे कर्म घटा दे, कर्म कर्म बड़ा छोटा, ओढ़न पहन खाने पीन का, ओढ़न पहन खाने पीन का, बारह मास रहे छोटा, तेरे कंकड़ पत्थर चुभे भोजन चाहते हो वैसा आपका भोजन मिलेगा, और जैसा भी आपका शेर मांस चाहता हो उसका मांस मिलेगा। अच्छा हाँ, लेकिन राजन उससे पहले कुछ हमारी शर्त होगी। क्या शर्त होगी महाराज? मैं बताऊंगा, सुनिए।
जपां से मुकरने होंगे सोच लेना राव तने दिल पे पत्थर धरने होंगे और चीज पाछे पहले तीन वचन भरने होंगे और चीज पाछे पहले तीन वचन भरने होंगे। धर्म के मकाम करूं करूं नहीं ओले सोले क्या चाहिए इस मोर धज से मन के भेद अब तक खोले पत्थर की अरे पत्थर की लकीर समझ लो तीन वचन भर के बोले पत्थर की लकीर समझ लो तीन वचन भर के बोले। तेरी लेंगे परीक्षा ओ या न्यू ही खंदा दे भूखा से कई हो जिका तू दानी से पाला हो हमारा से दिमाते भूखा से कई हो जिका राजन आप तीन वचन भर चुके हो। महाराज मेरा तो राजपाट जो सो कुछ है वो आपका ही तो दिया हुआ है, आप तीन वचन क्यों भरवाते हो? महाराज मैंने आपसे बोल दी कि जो भी आपको भोजन चाहिए वो आपको भोजन मिलेगा। अच्छा हाँ तीन वचन आपने दे दिए हैं लेकिन तीन वचनों में हम क्या मांगना चाहते हैं वो नहीं सुनना चाहोगे? महाराज बताइए आप क्या मांगना चाहते हो? हीरे मोती जवाहरात जो भी मांगना चाहते हो अच्छा सब कुछ आपके पर नौछावर कर दूंगा महाराज। हमें हीरे मोती जवाहरात की जरूरत नहीं है राजन, हम संत फकीर हैं, इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन सुनिए हम क्या मांगना चाहते हैं तीन बच्चों। नहीं अपनी बात को सुन परण ने पुगा तेरे राजा धीर धज सुती इकलौता सिंह की भेंट चढ़ाते राजा बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा। सुन सत्य की बात एकदम क्रोध में उमड़ गया गात साधु हो या पाखंडी थारी अच्छा। कौन सी बता दो जात। महाराज ये साधु के काम नहीं है जो आप मांग रहे हो। अच्छा हाँ कुछ अरे साधु हो या पाखंडी थारी कौन सी बता दो जात और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत। छोटे चिड़ी पे बाद अरे या न्यू ही खंदा दे भूखा से कई रोज का दानी से वो भर से दिमा दे भूखा से कई रोज का। क्या कि जैसा भी आप दान चाहते हो हीरे मोती जवाहरात खड़ी बनी हाँ। मैं आपको सब कुछ दे दूंगा लेकिन जिन बातों से आपने तीन वचन भरवाए हैं हाँ। आप कोई साधु नहीं हो, आप ढोंगी हो। ये तो मैं पहले ही जान रहा था राजन, केवल तेरा नाम सुना था इसलिए तेरे दरवाजे पर आ गए।
अब तू हमें पाखंडी बता रहा है। बिल्कुल महाराज, इतनी बात तो आप कम से कम सोचते कि राजा मोर धज के इकलौता लाल है, ये अपने लाल को कैसे दान में दे देगा, कैसे चीर देगा। अगर तुम दान नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, हम वापस लौट जाएंगे, तुम वचन हार हो जाइए। लेकिन महाराज, इस राजा मोर धज के भी कुछ नियम है। अच्छा। कि आज से पहले इसके दरबार से कोई साधु महात्मा खाली हाथ वापसी नहीं गया है। इसका मतलब तुम दान करोगे। बिल्कुल। तो हमारी कुछ और भी शर्त है राजन, उन्हें भी सुनिए। बताइए महाराज। सुन मेरी बात। हर दूजी शर्त सुन ले राजा, आंखों से बहना नीर, राजा रानी चीरेंगे सुत आर्य की पकड़ के सीर। जब जानूंगा राजन तने धर्म का धुरंधर वीर, जब जानूंगा राजन तने धर्म का धुरंधर वीर। अरे हाथ जोड़ कह रहा साधु, ऐसे पाप कमाओ मत ना, इकलौता है लाल मेरे वंश ने मिटाओ मत ना। कुछ रानी ते सलाह करूं तो मैं इतने साधु जाओ मतना, कुछ रानी ते सलाह करूं तो मैं इतने साधु जाओ मतना। यशपाल सिंह